हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीमन। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, जिसमें यूनिट वन हमने स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि यूनिट फर्स्ट में आपका टॉपिक है, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको बता दिया। शिक्षा का अर्थ बता दिया, विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा हमने जाना शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान किस शब्द से बना है, कौन सी भाषा से जो है लिया गया है, ये हमने बात कर ली। परिभाषाओं के माध्यम से हमें ये चीज़ें पता चल गई। इसका जो विकास क्रम है, कैसे कैसे हुआ, ये हमने देख लिया। तो चलिए, अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। तो हमें पहले के वीडियो से इतना तो पता चल गया कि शिक्षा और मनोविज्ञान, इनको जोड़ने की जो कड़ी है वो क्या है, मानव का व्यवहार है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, इसके जनक जो है वो थॉर्नडाइक को माना जाता है, पिता कहे जाते हैं थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के। एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पर ये बात जो है पता लगती है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो साइकोलॉजी की ही एक शाखा है, मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। अप्लाइड साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो परिभाषाओं में सबसे पहले परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। इनका क्या कहना है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में? ये कहते हैं कि व्यक्ति के जन्म से लेकर जब वो पैदा हुआ है तब से लेकर और जब तक वो बूढ़ा हो जाता है, बहुत सारी जो है क्रियाएं करता है, सीखता है, बहुत सारे अनुभव जो है वो ग्रहण करता है। तो उन्हीं का जो है वर्णन करना और व्याख्या करना शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट जो परिभाषा है स्किनर की, स्किनर कहते हैं, एक एक शब्द जो है उसको आप ध्यान से पढ़िए, परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, इनका अर्थ पता लगेगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मानवीय व्यवहार, मानव के जो व्यवहार हैं, जो भी क्रियाएं हैं, उसका शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। किसमें अध्ययन करता है? शैक्षिक जो परिस्थितियां हैं उसमें अध्ययन करता है मानव के व्यवहार का, वही है शिक्षा मनोविज्ञान। स्किनर की वही दूसरी जो परिभाषा है उसमें लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। ठीक है, पहली जो परिभाषा है वही है ये भी परिभाषा। शैक्षिक परिस्थितियां कौन सी होती हैं जिसमें कुछ सीखा जाता है, कुछ सिखाया जाता है? तो वो जो प्रोसेस होता है सीखने और सिखाने का, उसी का वर्णन करना, व्याख्या करना, अध्ययन करना क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। तीसरी जो परिभाषा है स्किनर की ही, कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। यहाँ पर शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला किसे कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान को। स्किनर की तीनों ही परिभाषाओं में हमें ये पता लगता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक परिस्थितियों में जो भी व्यक्ति सीखता है, जो भी सिखाने का प्रोसेस है, जो भी वो तैयारी करता है, उसी का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा क्लू जो है वो याद रख सकते हैं कि शैक्षिक परिस्थितियां, सीखने सिखाने और शिक्षकों की तैयारी, ये जो है वर्ड यूज किए गए हैं स्किनर की परिभाषा में। ठीक है, अगला देखें, पील कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का क्या है? विज्ञान है। ठीक है, बहुत ही सिंपल परिभाषा दी है। अब देखिए, जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी परिभाषाएं जो हैं इनको एक एक शब्द जो है लगाने में बहुत टाइम जो है वो लगाया होगा, क्योंकि एक लाइन जो है वो पूरा अर्थ व्यक्त करती है। इन्होंने क्या कहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह क्या है? शिक्षा का क्या है? विज्ञान है, जिसमें हम व्यक्ति के समस्त क्रियाओं का, व्यवहारों का जो है वो अध्ययन करते हैं और उसे प्रयोग में करके देखते हैं। ठीक है, तो पील से आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि पील यानी कि जो पीलिया है, जो बीमारी है, उसका इलाज जो है कौन करता है? डॉक्टर करता है। ठीक है, साइंस करती है। तो ऐसे थोड़ा आप याद रख सकते हैं कि कोई भी बीमारी जो है उसका इलाज जो है वो विज्ञान के पास है। स्टीफन का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। जो भी व्यक्ति का विकास हो रहा है शैक्षिक तरीके से, शिक्षा में जो भी विकास हो रहा है उसका, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। व्यक्ति का जो भी क्रमबद्ध अध्ययन हो रहा है किस में? शैक्षिक में।
वही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी व्यक्ति का जो भी व्यक्ति व्यवहार कर रहा है वो क्या है, मनोविज्ञान है। वही व्यवहार वो शिक्षा में करता है तो वो शैक्षिक मनोविज्ञान है। किसने कहा है? स्टीफन ने कहा है। टिचनर कहते हैं कि भावनाएं शरीर के भीतर संवेदनाओं को उत्पन्न करने वाली अनुभूति के अलावा जो है और कुछ भी नहीं है। तो ये टिचनर जो है वो क्या कह रहे हैं कि जो भी भावनाएं हैं व्यक्ति की, वो केवल और केवल क्या है, संवेदनाओं को उत्पन्न करने वाली एक अनुभूति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये टिचनर की परिभाषा है। अगला देखें। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है शिक्षक के लिए। अब आप भी टीचर बनोगे तो आप खुद सोचिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो है वो आपके लिए क्या महत्व रहेगा। तो यहाँ पर शिक्षक को बहुत जरूरी होता है उस विद्यार्थी को जानना, चाहे वो उसकी मानसिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, ठीक है, वो सभी विशेषताओं से परिचित होना चाहिए एक शिक्षक। इसके अलावा जो है बालक की जो मूल प्रवृत्ति है उसकी नॉलेज होनी चाहिए शिक्षक को। बालक की जो व्यक्तिगत उसकी विभिन्नताएं हैं, कोई बालक जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई डल है, उसके पीछे क्या कारण है, तो इसका ज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षक को मिल सकता है। अब जो उसकी नीड जो है क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थी जो है उसकी रुचि जो है और किस किस जो है पुस्तकों में है, क्या वो पढ़ा रहा है शिक्षक, वो उसको वो जो ज्ञान है वो उसको वाकई में मिल पा रहा है, उसको समझ उसकी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो बहुत सारी शिक्षण विधियों का उपयोग जो है वो कैसे किया जा सकता है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही वो शिक्षक जान सकता है। इसके अलावा जो है शिक्षक जो है उसको खुद का ज्ञान, ठीक है, या कैसे तैयारी करनी है वो भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही उसे पता चलती है। तो सबसे पहला पॉइंट है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में। बालक की जो विकासात्मक विशेषताएं हैं, चाहे वो उसकी शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, इन सभी विशेषताओं के से परिचित जो है वो एक शिक्षक कैसे हो सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए। अधिगम यानी सीखना, जो कि हमारा नेक्स्ट यूनिट है। अधिगम यानी कि सीखने से संबंधित है, जहां पर व्यक्ति जो है बहुत सारी चीजें जो है वो जो कि बचपन से सीखता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो सीखता ही रहता है। तो उस अधिकम की जो प्रकृति है, बालक जो है वह कितना सीख पा रहा है, तो इसका जो ज्ञान है वो शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में मनोविज्ञान की जो भी खोजें रही हैं उनसे ये पता भी चला है कि जो बालक की जो रुचि है, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, इनमें अंतर होता है। हर बालक जो है एक दूसरे से भिन्न है। तो शिक्षक को क्लास में ऐसे ही बालकों को जो है शिक्षा देनी होती है। तो उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं यदि वह नहीं जानेगा तो हर बालक को उसके तरीके से कैसे पढ़ा पाएगा, कैसे जो है वो शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानना जो है एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। प्रभावशाली शिक्षण विधियों को समझने में, बहुत सारी शिक्षण विधियां जो हैं जो कि मनोविज्ञान में प्रयोग में लाई जाती हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है जो कि टीचर को बताता है कि कोई भी कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन है, तो उनमें बालकों को बहुत ही इजी वे में कैसे सिखाया जा सकता है, कौन कौन सी जो है शिक्षण विधियां जो है सबसे अधिक जो उचित होगी, उपयोगी होगी, इसका ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान से ही शिक्षक को मिलता है। बालकों की समस्याओं को समझने में यहाँ पर भी शिक्षा मनोविज्ञान का रोल है। जैसे कि बाल अपराध हो गया, अनुशासनहीनता हो गई, ठीक है, समस्यात्मक बालक हो गया, छात्र जो है उसका पिछड़ापन हो गया, तो इन सभी समस्याओं का समाधान जो कि एक क्लास की समस्या है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षक को पता लग सकती है। इन समस्याओं के कारणों को खोजना, इनको दूर करने में जो सहायता देता है शिक्षा मनोविज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान व संरक्षण, तो जो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके ज्ञान जो है उसका पता करना, वह भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही एक शिक्षक पता कर सकता है कि शिक्षा का जो
हम देखते हैं कि जो एक उद्देश्य है बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति जो कैसे हो सकती है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसमें सहयोग करता है, शिक्षक को उन विधियों की जानकारी जो है उपलब्ध कराता है जिनका उपयोग करने से बालकों के व्यक्तित्व का जो है चतुर्मुखी जो है वो विकास हो सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य उसके अंतर्गत ही आएगा, तो उसका ज्ञान और उसको कैसे संरक्षण प्रदान किया जा सकता है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही एक टीचर जानता है। फिर देखिए पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता, जो उपयोगी पाठ्यक्रम है उसका निर्माण कैसे हो, तो विकास की जो विभिन्न समस्याओं में बालकों की रुचियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, आवश्यकताएं हैं, वो विभिन्न होती हैं, हर बालक में अलग होती हैं। तो मनोविज्ञान की इन बातों का ज्ञान प्रदान करके टीचर को विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण में सहायता देती है शिक्षा मनोविज्ञान। अधिगम परिणामों का जो मापन है उसमें भी ये सहायक है कि बच्चे ने जो जितना सीखा या जो भी सिखाया गया उसका क्या रिजल्ट निकला, उसका मापन जो है वो कैसे किया जाए, बच्चा जो है डल है, एवरेज है या फिर बहुत अधिक बुद्धिमान है, ठीक है, तो ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही एक टीचर को पता लग सकता है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा, अब विशिष्ट बालक में वो बालक भी आते हैं बहुत ज्यादा जो जिनकी बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, और वो भी बालक आते हैं जो कि कैसे होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, मंद बुद्धि बालक होते हैं, ठीक है। तो अब एक ही कक्षा में इन बालकों को कैसे जो है वो पढ़ाया जाए, किस तरीके से कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाए, तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा में भी शिक्षा मनोविज्ञान सहयोगी है। 10th है शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो टीचर को ये बताता है कि कैसे अलग अलग जो कंडीशन होंगी जिसमें बालकों को बहुत इजी वे में जो है सिखाना है, कौन कौन सी जो है शिक्षण विधियां हैं, कौन कौन सी सहायक सामग्री जो है इनका प्रयोग किया जाए, ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है वो कौन सी होती हैं जो कि पाठ्यक्रम के साथ साथ जो है विद्यालय में कराई जाती हैं, ठीक है। तो इन क्रियाओं का उतना ही जो है महत्व रहता है जितना कि क्लास में जो पाठ्य वस्तु होती है उसका, तो जैसे खेलकूद हो गया, ठीक है, और जो कंपटीशन होते हैं फुटबॉल कंपटीशन हो गया स्कूल में, अलग अलग जो एक्टिविटी कराई जाती हैं, डांस कंपटीशन हो गया, तो ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं जो कि पाठ्यक्रम के साथ साथ जो है स्कूल में कराई जाती हैं। तो इन पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हैं ये किस तरीके से जो है इसका आयोजन किया जाना है, तो ये टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही पता चलता है। शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन, अनुशासन जो है अनुशासन की जो हेल्प से जो है टीचर जो है वो बहुत सारी विधियों का प्रयोग कर सकता है। जो टीचर जो है वो अपने छात्रों की रुचि के अनुसार जो है शिक्षा देता है तो उनके सामने जो है अनुशासन की जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत कम आती है। जब बच्चे के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन दी जाए तो वहां पर अनुशासन ही मिलेगा, ठीक है। तो जब हम पाठ्यक्रम है शिक्षण सामग्री में सुधार करते हैं तब हम अनुशासन की जो प्रॉब्लम होती है उनसे जो है समाधान जो है उनसे हो जाता है और जो अनुशासनहीनता है वो समाप्त हो जाती है। तो बच्चों के अकॉर्डिंग किस तरीके से जो है शिक्षा संस्थाओं में जो है अनुशासन हो तो उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से पता लगता है कि जो बालक है वह किस तरीके की रुचि रखता है, किस तरीके का उसका व्यवहार है, ठीक है, उसकी मानसिक शारीरिक सामाजिक स्थिति कैसी है। अधिगमकर्ता व स्वयं को समझने के लिए, तो यहाँ विद्यार्थी जो अधिगमकर्ता यानी जो सीखने वाला है और स्वयं यानी कि टीचर, तो खुद को समझने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व रहता है। व्यक्ति किसी कार्य को करने में जो है वो तभी जो है वो सफल होता है जब उसमें उस कार्य के प्रति करने की योग्यता होती है। तो यदि उस टीचर को जो भी कार्य कर रहा है उसमें वो योग्य है तो वो सफल होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही अध्यापक जो है वो अपने में जो है स्वभाव में चेंजमेंट लाता है, ठीक है,
जो उसकी योग्यता है, जो उसकी क्षमता है, उसकी आदतें हैं, उसके बारे में जो है उसे नॉलेज होती है, कहाँ उसकी कमी रही है उसको सुधारता है। ठीक है, तो स्वयं को समझने के लिए और अधिगमकर्ता को समझने के लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी इम्पोर्टेंस है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और जो व्यक्तित्व है उसको शामिल किया जाता है। तो इसका कार्य क्षेत्र जो है वो क्या रहेगा? मानव रहेगा, उसका व्यवहार रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी रहेगी। तो जिसके अंतर्गत जो है संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व को शामिल किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में, ये कौन कहते हैं? स्किनर कहते हैं। तो जो हमने शिक्षा मनोविज्ञान की जो महत्व पढ़े, तो वही जो है कार्य क्षेत्र में वही आ जाएंगे कि जो शिक्षा है कौन देगा, शिक्षक कैसा होगा। मनोविज्ञान शिक्षक को जो है अपने छात्रों को समझने में सहायता प्रदान करता है, साथ में वो ये भी बताता है कि जो टीचर है उसको छात्रों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक जो है वो उसका जो व्यवहार है वो पक्षपात रहित होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, और जो विकास की जो विशेषताएं हैं तो उसको समझने में भी सहायता देता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसका कार्य क्षेत्र जो है वो काफी बड़ा है। तो प्रत्येक जो छात्र है उसमें विकास की जो निश्चित अवस्थाओं से होकर वो गुजरता है, जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, ठीक है, लास्ट में प्रौढ़ावस्था है, तो इन अवस्थाओं की बहुत सारी जो है वो विशेषताएं होती हैं। यदि टीचर जो है इन विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं से परिचित होता है तो वो अपने छात्रों को जो है बहुत अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है जो भी उसका लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वो यही है कि शिक्षा की जो भी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उसके समाधान में जो है मनोविज्ञान जो है मदद करता है। और यहाँ पर जो है वो हम बालक के हर तरीके का जो व्यवहार है, जो व्यक्तित्व है, उसका अध्ययन करते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।